अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए जो मॉडल लेकर आए हैं वो है फ्लोएम टिश्यू का। तो सबसे पहले हमने इसको काटना है, छोटे छोटे पीसेस में आपने इस तरह काट लेना। तकरीबन ये एक जैसे नहीं होने चाहिए ताकि वो एक्चुअल फ्लोएम की तरह नज़र आए, तो कोई बड़े कोई छोटे पीस आपने काट लेने हैं। तो ये फोम जो है हमें वेस्ट मटेरियल वो फ्रिजों के ऊपर रखी होती है सेफ्टी के लिए, तो हमने वहाँ से इसको लिया है। ये आप देख सकते हैं, अब ड्रिल मशीन के आगे ये बाज़ार से मिल जाता है ग्राइंडर सा, ये ड्रिल मशीन के आगे लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसको अब हमने यहाँ पर ये स्लो स्पीड पे रख के अब हमने ऐसे इसको जो है इसके अंदर होल करना है। इससे बहुत ही नीट एंड क्लीन होल होगा, हो तो ब्लेड से भी जाएगा, लेकिन ब्लेड से गाइस वो थोड़ा सा ना ज़रा नीटनेस और सफाई नहीं आएगी। अब ये बहुत अच्छी तरह से और देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है, और इस दौरान में आपने मास्क लाजमी पहनना है, मास्क के बगैर आप बिल्कुल काम नहीं कीजिएगा। ये रिप्रेजेंट करेगा फ्लोएम को, होल को, जिसमें से दोनों तरफ से मूवमेंट होती है, यानी अपवर्ड भी फूड की मूवमेंट होती है और डाउनवर्ड भी मूवमेंट होती है। इसमें वाटर की तरह डाउनवर्ड टू अपवर्ड नहीं बल्कि दोनों तरफ मूवमेंट होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा था कि जो साइडों पे इजाफी थी उसको हम काट रहे हैं ताकि क्लियर तौर पर समझ आ सके बच्चों को। एक्चुअली इसकी साइड पर सेव ट्यूब्स होती हैं जो हमने नहीं बनाई हैं, सेव ट्यूब्स को हमने नहीं बनाया, तो ये है कि ये अब साइड्स पे हम काट के बिल्कुल उनको क्लीन कर लिए। ये हमारे पास जो बच्चा है ये हाफिज मतीन है, वो बना रहा है, 10th क्लास का स्टूडेंट है। तो ये आप देखें बड़े ही, अब वो फ्लोएम टिश्यू के जो अपवर्ड क्लोज एंड है उसको उसमें होल किए जाएंगे ताकि उन होल्स में से जो है वो, यानी कि फूड पार्टिकल जो है वो मूवमेंट इजीली दिखाई जा सके कि ऐसे मूवमेंट होती है। ये अब हाफ साहब उनको जो है वो कलर कर रहे हैं।
तो गाइस ये अब हमारे पास फ्लोएम का मॉडल बन चुका है। ये पहले हमने जाइलम का मॉडल बनाया है, तो इसकी वीडियो पहले हमने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम फ्लोएम को उसके साथ अटैच करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मॉडल बना है, बहुत ज़बरदस्त मॉडल बना है। अगर आपको ये हमारा मॉडल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।